Hello students, today we will learn about typecasting or type conversion. तो आइए देखते हैं typecasting या type conversion क्या होता है. So basically the typecasting means changing the value of a data type into another data type. यानी typecasting का मतलब होता है किसी एक data type की value को दूसरे data type में change करने का जो process है उसे typecasting या type conversion कहा जाता है. बेसिकली जो टाइप कन्वर्जन है इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारे पास वाइडनिंग एंड सेकंड है नैरोइंग. व्हेन कन्वर्जन इज परफॉर्म फ्रॉम ए बिगर टाइप टू ए स्मॉलर टाइप, जब किसी बड़े टाइप की वैल्यू को छोटे टाइप में चेंज करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज नैरोइंग. तो इसे क्या कहा जाता है, नैरोइंग कहा जाता है. एंड इट्स अपोजिट इज कॉल्ड एज वाइडनिंग. इसके अपोजिट से मतलब हो गया नैरोइंग क्या थी, बिगर टाइप को स्मॉलर टाइप में चेंज करना. तो नैरोइंग क्या सॉरी इसका अपोजिट यानी वाइडनिंग क्या हो जाएगा, स्मॉलर टाइप को बिगर टाइप में चेंज करना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीजर को चेंज कर रहे हैं किस में, कैरेक्टर में. अब इंटीजर बड़ा होता है कैरेक्टर से, सो ये जो है वो नैरोइंग है. और इसका उल्टा अगर हम करते हैं किसी कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं इंटीजर में या फ्लॉट में या डबल में, तो वो अपना क्या कहलाएगा, वाइडनिंग कहलाएगा. एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, डेटा विल बी ट्रंकेटेड व्हेन द लार्जर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू स्मॉलर. जब किसी बड़े टाइप को हम चेंज करेंगे स्मॉलर में, छोटे टाइप में, तो जो डेटा है वो ट्रंकेट होता है, डेटा में लॉस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि हमारे पास कोई पॉइंट वाली वैल्यू थी 3.2 यानी डबल डेटा टाइप की वैल्यू थी, उसको अगर हम इंटीजर में असाइन करेंगे तो क्या होगा, जो डेसिमल वाला पार्ट था फ्रैक्शनल पार्ट वो रिमूव हो जाएगा. नाउ टाइपकास्टिंग के दो टाइप्स हैं हमारे पास. पहला होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है, और दूसरा होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट. पहला हम देखते हैं इम्प्लिसिट. तो जो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन परफॉर्म होता है वो भी दो तरह से हो सकता है. पहला तरीका होता है व्हेन ए वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप इज असाइंड इनटू ए वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप. जब किसी एक अलग प्रकार की वैल्यू को दूसरे टाइप में, दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में हम असाइन कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है इम्प्लिसिट. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एक्स, हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया जो इंटीजर डेटा टाइप का है, बट इसमें असाइन क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू. तो ये ध्यान रखिएगा जब भी किसी इंटीजर में आप कैरेक्टर वैल्यू को असाइन करोगे तो वो कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन कहलाएगा, वाइडनिंग टाइप का है. एंड जो वेरिएबल होगा हमारा इंटीजर टाइप का उसमें क्या होगा, जो कैरेक्टर का आस्की कोड है वो आस्की कोड आकर के स्टोर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स में हमने कैरेक्टर स्मॉल ए को स्टोर कराया है, स्मॉल ए का जो आस्की कोड होता है वो होता है 97, राइट. तो जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 97 हो जाएगी. आइए मैं आपको इसे परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ. सिंपल हमने एक फंक्शन बना लिया हमारा मेन वाला. नाउ यहाँ हमने एक इंटीजर x बनाया जिसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू डाली a. नाउ मैं इस x को प्रिंट करवा रहा हूँ. सेव कर देते हैं इसे एंड इसे हमने कंपाइल एंड रन किया तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 97. फाइन. इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देते हैं. यहां पे हमने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया माइकेयर जिसमें इंटीजर एक्स को हमने स्टोर करा दिया, तो ये इंट टू कैरेक्टर कन्वर्जन हो रहा है. यहां पे नैरोइंग है क्योंकि छोटे टाइप की वैल्यू छोटे टाइप के वेरिएबल में बड़े टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. अभी हालांकि यहां पर कोई पॉसिबल लॉस नहीं होगा क्योंकि x के अंदर क्या था, 97 था, तो इंटीजर की रेंज में ही होता है. अब माई केयर के अंदर क्या आएगा, ASCII कैरेक्टर आएगा 97 का, और 97 का ASCII कैरेक्टर जो है वो क्या है, अपने पास कैरेक्टर a है. तो अगर हम माई केयर को प्रिंट कराएंगे तो स्मॉल a प्रिंट हो जाएगा. जैसे यहां पे मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया माई केयर इक्वल टू x एंड मैं वैल्यू प्रिंट करा देता हूं यहां पे परसेंट सी माई केयर की वैल्यू. फाइन गाइज, स्मॉल ए आ रहा है. नेक्स्ट इससे अगला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लॉट वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं माई केयर की वैल्यू को. ये कैरेक्टर टू फ्लॉट कन्वर्जन है, यहाँ पे वाइडनिंग परफॉर्म हो रही है. एंड माई एफ के अंदर क्या आएगा, आस्की वैल्यू ऑफ ए आएगी, दैट इज 97.
एंड जब ये फ्लॉट में स्टोर हो रहा है तो ये बन जाएगा 97.0, राइट। आइए इसको भी देख लेते हैं। फ्लॉट वेरिएबल बनाया माई एफ इक्वल टू माई कैर हमने असाइन किया और परसेंट एफ से प्रिंट करा देते हैं हम माई एफ की वैल्यू को, तो 97.0 आएगा, पॉइंट के बाद 6 बार 0 आएगा जो बाय डिफॉल्ट आता है परसेंट एफ से, राइट गाइज, आ रहा है। इसी तरह से सपोज दैट हमारे पास एक डबल वेरिएबल है जेड, उसमें हमने ये वैल्यू स्टोर करी 66.234 एंड एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया माई सी टू इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नैरोविंग परफॉर्म कर रहे हैं, 66.234 जो डाउन कॉस्ट स्टोर करके हो जाएगा 66, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर पॉइंट वाला पार्ट स्टोर नहीं हो सकता। अब जो माई सी टू स्टोर करेगा वेरिएबल वो 66 का आस्की कोड स्टोर करेगा और आस्की कैरेक्टर स्टोर करेगा एंड 66 का जो आस्की कैरेक्टर है वो होता है कैपिटल बी, राइट। तो अगर माई सी टू को प्रिंट कराएंगे हम तो हमारे पास आएगा कैरेक्टर बी। आइए करके देखते हैं। एक डबल वेरिएबल बनाया हमने माई डी इक्वल टू 66.345 और समथिंग एल्स कुछ भी डाल दिया, कैरेक्टर बनाया माई सी टू इक्वल टू माई डी एंड माई सी टू को हमने प्रिंट कराया। तो यहां पे क्या हुआ, माई डी कन्वर्ट हुआ कैरेक्टर में, तो 66 को स्टोर करेगा यानी 66 के आस्की कैरेक्टर को स्टोर करेगा, दैट इज कैपिटल बी। तो परसेंट सी से जब माई सी टू को प्रिंट कराएंगे कैपिटल बी प्रिंट करेगा, आ रहा है, फाइन गाइस, दिस इज। सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें। यहां पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया माई इंट और उसमें जेड को असाइन किया, ये भी नैरोविंग है क्योंकि डबल बड़ा होता है, डबल और फ्लॉट इवन दोनों बड़े माने जाते हैं इंटीजर से क्योंकि वो पॉइंट वाली यानी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी यहां पे नैरोविंग परफॉर्म होगी एंड जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट था वो डिस्कार्ड हो जाएगा स्टोर होते टाइम। माई इंट में केवल क्या स्टोर होएगा, 66। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी फ्लॉट या डबल को कैर या इंट में स्टोर करते हैं तो डेसिमल और उसके बाद वाला पार्ट ट्रंकेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहां पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया माई आई इक्वल टू हमने असाइन कर दिया माई डी एंड माई आई को हमने प्रिंट करा दिया। फाइन गाइस, अब एक चीज जो मैं एडिशनली आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले रखा है x जिसमें 65 हमने रख रखा है, इसको हम कास्ट कर सकते हैं प्रिंट एफ के थ्रू भी डायरेक्टली। हमने यहाँ पे परसेंट डी से अगर प्रिंट कराया एक्स की वैल्यू को तो ये 65 देगा एंड इसी को अगर हम परसेंट सी से प्रिंट कराएंगे तो परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा कैरेक्टर में, दैट इज कैपिटल ए। फाइन, कूल गाइस। तो ये था इम्प्लिसिट कन्वर्जन में भी फर्स्ट टाइप, जब हम डायरेक्टली असाइनमेंट से चेंजेस कर रहे हैं। दूसरा इम्प्लिसिट कन्वर्जन हमारे पास होता है When an expression uses different type of values in it, जब एक ही सिंगल एक्सप्रेशन है बट उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज यूज हो रही हैं, तो इस केस में क्या होगा, When we have multiple types involved in an expression, then the resultant value is of always the largest type. यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो लार्जेस्ट टाइप में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी एक्सप्रेशन में इंट और डबल दोनों इन्वॉल्व है तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो डबल डेटा टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यूज किया 2 + 3.4 तो इसका रिजल्ट आएगा 5.4। सो इसका अगर हम साइज चेक करते हैं साइज ऑफ से तो हमें देगा डबल के इक्वलेंट। फाइन, आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसा कि पहले मैंने इसे प्रिंट कराया परसेंट एलएफ 2 + 3.4, फाइन, तो अभी आएगा अपने पास 5.4, फाइन गाइस। एंड अगर इसका साइज ऑफ ऑपरेटर से हम साइज निकाल के चेक करें, सॉरी
इंटीजर में देता है साइज ऑफ हमेशा में. नाउ हमने इसका साइज चेक किया, 11 हमारे पास, 8 फाइन. अगर सपोज दैट मेरे पास 2 प्लस कैरेक्टर ए होता, फाइन, तो 2 इंटीजर टाइप का है और ये कैरेक्टर टाइप का है, राइट. तो लार्जर टाइप कौन सा है हमारे पास? इंट. तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर टाइप की होगी एंड साइज आएगा 4, फाइन. एंड इवन अगर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप कैरेक्टर्स पे परफॉर्म करते हो, देन ऑलवेज रिमेंबर जो रिजल्ट होता है वो इंटीजर होता है. तो ये साइज ऑफ इंटीजर दिखा रहा है अपने को 4. और अगर हम केवल कैरेक्टर ए का साइज चेक करते तो हमारे पास आता 4. क्यों आ रहा है ये 4? बिकॉज साइज ऑफ इटसेल्फ जो है वो ए को किस टाइप में चेंज कर दे रहा है? इंटीजर में. इंटीजर मान के ही वो उसका साइज दे रहा है. बट अगर आप डायरेक्टली कैर का साइज चेक करो तो आपके पास कितना आ रहा है? 1, राइट. क्योंकि ये कैर डेटा टाइप का साइज दे रहा है, जबकि ए डायरेक्टली हम जब लिख रहे हैं तो उसमें उसे किस में चेंज कर दे रहा है? इंटीजर में, साइज ऑफ ऑपरेटर खुद. दैट्स वाई रिजल्ट हमारे साथ प्रोड्यूस हो रहा है 4, फाइन गाइज. सो ये था हमारे पास इम्प्लिसिट में सेकेंड टाइप. जब हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज यूज करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू लार्जेस्ट टाइप की होती है. सो गाइज नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. सो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमने देखा था डेटा टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है. बट कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जब हमें टाइप कन्वर्जन को फोर्स करना हो. सपोज दैट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर रहे हैं और जिन वेरिएबल में हाइट एंड बेस को हमने स्टोर किया है अगर वो इंटीजर टाइप के हैं, देन अगर हमने एरिया इस तरह से कैलकुलेट किया, फ्लॉट एरिया एंड एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे सारे के सारे क्या है? इंटीजर हैं. तो 1/2 जो है वो रिजल्ट देगा हमें 0, 0 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा सब कुछ 0. एंड सपोज दैट अगर बी की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू 7 है या कुछ भी आपने रखी, तब भी स्टिल रिजल्ट जो है वो 0 आएगा. अब यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन के थ्रू जब एरिया वेरिएबल में 0 जाएगा तो वो बन जाएगा 0.0. तो हमें हम यहाँ पे फोर्स कर सकते हैं इस चीज़ को कि 1/2 में 1 जो है वो फ्लॉट की तरह से ट्रीट हो. उसके लिए हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज कर सकते हैं. जैसे हमने 1 को ब्रैकेट में लिखा एंड उससे पहले हमने ब्रैकेट में लिख दिया फ्लॉट, तो 1 यहाँ पे सॉल्व होने से पहले किस में चेंज हो जाएगा? टेम्परेरली फ्लॉट वैल्यू में, यानी 1.0 बन जाएगा ये. अब 1.0 जब डिवाइड होएगा 2 से तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन अप्लाई हो जाएगा डिवाइड के लिए, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो फ्लॉट आएगी. इसी तरीके से जब बी इंटू एन एच भी मल्टीप्लाई होंगे फ्लॉट वैल्यू से, तो फाइनल रिजल्ट जो बन जाएगा वो हमारे पास फ्लॉट में बन जाएगा एंड रिजल्ट आएगा हमारा 17.5 अगर बी और एच की वैल्यू 5 एंड 7 थी. आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सपोज दैट बी और 7 हमारे पास बी है 7 एंड एच है हमारे पास 5. एरिया हमने कैलकुलेट किया 1/2 इंटू बी इंटू एच से. नॉर्मल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था 17.5, बट अभी जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.0, फाइन. एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का यूज करके केवल हमें 1 को चेंज करना है, तो हमने केवल 1 को चेंज कर दिया किसमें? फ्लॉट टाइप में एंड ब्रैकेट में डाल दिया, वरना वो पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई करने की कोशिश करता, जबकि हमें क्या करना है? पहले 1 को चेंज करना है फ्लॉट में. आगे रिजल्ट 17.5, फाइन गाइज. सो होप्सो कि आपको समझ में आया होगा टाइप कन्वर्जन क्या है, इम्प्लिसिट कैसे हो रहा है और एक्सप्लिसिट किस तरह से परफॉर्म हो रहा है. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है देन आप मुझे वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. थैंक्स अ लॉट.